तो डिस्प्ले और इंसर्ट तो सब लोग जान ही के करना, आ गया ना सबको करना, नहीं आया। डेटाबेस बना सकते हो सब लोग, नहीं बना सकते, क्या कह रहे हो? डेटाबेस सबसे बन जाएगा ना, चलिए बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो डिलीट करने का हम लोग नहीं देखे हैं, राइट? डिलीट और बाकी देख लेते हैं अभी करके, ठीक है? डेटाबेस से डेटा डिलीट कैसे होगा, ठीक है? तो मैं छोटा सा एक प्रोग्राम बना लेता हूं, चलिए। तो फॉर्म को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? और डिजाइनिंग में मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ क्योंकि समय का बिल्कुल अभाव है हमारे पास, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं, ठीक है? इसको ले लाते हैं नीचे और इस पे कर देता हूं मैं डबल क्लिक। लोड इवेंट जनरेट हो गया है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, डेटाबेस से डेटा कनेक्ट करके लाना है, ठीक है? ये है मेरा डेटाबेस, ठीक है? एक्सेस डेटाबेस, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं, ठीक है? और यहां पे मैं कुछ बना लेता हूं, एसटीडी नाम का पहले से है, ठीक है? मैं इसको क्लोज करता हूं, ठीक है? मैं टेबल नया बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है? आ गया यहां पे, इसको राइट क्लिक करके चला जाता हूं मैं डिजाइन व्यू में, ठीक है? और फिर इसको नाम देता हूं स्टूडेंट, स्टूडेंट और रेजुलेशन तो मैं बढ़ाया हुआ हूं जो है, ये रहेगा ऑटो नंबर, ठीक है? फिर यहां पे नेम होगा, ठीक है? नेम में क्या होगा, ये टेक्स्ट होगा, क्योंकि नेम टेक्स्ट टाइप का ही है, ठीक है? स्ट्रिंग टाइप का, ओके, ये टेक्स्ट होगा। नेम के बाद क्या ले लें, मोबाइल नंबर ले लें, MOBILE, अरे क्या लिख रहा हूं, मेरा हाथ भी ठंडे में काम नहीं करे। मोबाइल नंबर हो गया, ये भी टेक्स्ट ले लेता हूं मैं, ठीक है? फिर एड्रेस हो गया, इसको भी टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है? इसके बाद ईमेल ले लेता हूं मैं, ठीक है? इसके बाद जेंडर भी ले लेते हैं, ये भी टेक्स्ट में ही दे रहा हूं, ठीक है? जेंडर तो वैसे आईडी वगैरह में देते हैं, ठीक है? पर वो तरीके हम बाद में देख लेंगे। और जेंडर के बाद और कुछ बचा तो बता दो, आधार नंबर, आधार, ठीक है, हो गया। अब क्या हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं, ठीक है? चलो कर लेते हैं सेव। अब इसको कर लेता हूं मैं डेटा सेट व्यू में। तो इतना चीजें का बना हुआ है हमारे पास, ठीक है? इतना चीजें हैं, इसमें कुछ डेटा मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है? पर अभी सिर्फ मैं एक ही डेटा ऐड करता हूं, ठीक है? तो नेम में बता दो कुछ नाम, राम श्याम मोहन, रमेश कर दूं, चलो अच्छा ऐसा, चलो रमेश। मोबाइल नंबर जरा बताना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लेता हूं। एड्रेस में INDIA, ईमेल में ramesh@gmail.com, ठीक है? और MALE स्पेलिंग सही है ना? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस हो गया। चलिए ये डेटा ऐड कर दिया हूं मैं, ठीक है? और फिर यहां पे क्लोज बटन पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो हाँ, सेव करके मैं क्लोज किया हूं, ठीक है? सेव करके क्लोज कर दिया, ठीक है? अब मुझे बनाना पड़ेगा सबसे पहला काम कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है? तो कनेक्शन स्ट्रिंग डीम CONN इक्वल टू, मैं सीधा इसमें पास कर देता हूं कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना कैसे, आप लोग बहुत ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि यहां पे बहुत दिक्कत होता है, ठीक है?
यहाँ पे न्यू कनेक्शन में मैं चला जाऊंगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे चुन लूंगा मैं डेटाबेस एक्सेस, क्योंकि एक्सेस है राइट, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है, और फिर डेस्कटॉप पे है ना हमारा, ये है डीबी, च्वाइस किया, कनेक्शन में किया, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है। अब एडवांस में चल जाता हूं मैं, ठीक है, शिफ्ट इंड दबा दिया, सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सी कर लिया, राइट क्लिक करके भी करके दिखा देता हूं आपको, ताकि हवे में हुआ नहीं बोलना है ऐसा, ठीक है, पेस्ट कर दिया, ये है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर अब क्या करूंगा, मेरे को कमांड चाहिए, तो डीम सी एम डी इक्वल टू, डेटा को पहले डिस्प्ले मेरे को करना पड़ेगा, तब तो डिलीट करूंगा ना, तो फिर कैसे करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, क्या लिख दिया, ठीक है, स्टूडेंट लिख दिया मैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, सॉफ्टवेयर जो बनते हैं इसी तरह से कुछ बनते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, OLEDB डेटा अडॉप्टर का मुझे जरूरत है, जो कि पहले भी मैं डिस्प्ले कराया था डेटा, तो आपने देखा था, ठीक है, ये प्री डिफाइन क्लास है जो कि डेटाबेस से डेटा उठाता है, आपको तो ये बात बता ही दिया था मैं, ठीक है, तो मैं वही काम करता हूं, डिम DA माने डेटा अडॉप्टर, फिर OLEDB फिर डेटा अडॉप्टर, ठीक है, डेटा अडॉप्टर, ठीक है, ऐसे कर देता हूं, अभी बता रहा है एरर की, क्या लिख दिया मुझे पता नहीं है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये ऐसे होगा, एज सी शार्प पर विजुअल बेसिक के सिंटैक्स में ना थोड़े से फर्क है, अब देखो, ठीक है, एरर बता रहा है, बोल रहा है कि मुझे नहीं पता क्या है, अनडिफाइंड है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि क्या मैं इम्पोर्ट कर दूं सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी, क्योंकि सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी पैकेज के अंदर जो है ये वाला क्लास है जो कि डेटा बेस से डेटा को उठाता है, ठीक है, तो इस क्लास को इंपोर्ट करना है तो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक मार दिया, क्लिक किया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे मारा, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, ठीक है, आप चाहो तो मैनुअली पहले टाइप कर लो फिर यहाँ पे लिखो तो सजेशंस भी आने लगेंगे, ठीक है। अब इसको पहला पैरामीटर में मैं क्या दे दूंगा, तो कमांड दे दूंगा, यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट एज स्ट्रिंग, तो मैं दे दिया cmd, फिर conn, ठीक है, ये दे दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, डेटाबेस से डेटा तो ले लाएगा ये डेटा अडॉप्टर, ठीक है, लेकिन हमें ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखाना है, तो डेटा अडॉप्टर से तो नहीं दिखाएंगे ना, तो ये सबसे पहले ये वाला लिखोगे, सबसे पहले ये लिख लेना आप, ठीक है, जब इसको आप लिखोगे ना तो ये लाइन सजेशन अपने आप आने लगते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सजेशन कैसे आएगा, ठीक है, इंटेलिजेंस होकर का डीम DA फिर एज न्यू फिर OLE, ये देखो डेटा अडॉप्टर आ गया ना, ये देखो आ गया सजेशंस, इसको दे दिया CMD फिर CONN, एक कनेक्शन है, ठीक है, ये वेरिएबल्स का मैं नाम लिया हूं, आप कुछ भी ले सकते हो ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेटा टेबल बनाऊंगा मैं एक, तो डीम फिर DT एज न्यू डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल, ठीक है, ए ले लिया। अब क्या करूंगा, डेटा अडॉप्टर तो डेटाबेस से डेटा ले लाया पर फिल तो कराना पड़ेगा ना मुझे, तो DA डॉट फिल मेथड में चला दूंगा, ठीक है, तो फिल मेथड क्या करता है ना कि डेटा टेबल में डेटा फिल करता है, ठीक है। अब डेटा टेबल जो है वो क्या है, तो वो भी प्री डिफाइंड क्लास है, जैसे आपका क्या कहते हैं उसे, जैसे डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर है, उसमें जैसे टेबल होता है वैसे ही विजुअल बेसिक में डेटा टेबल होता है, ठीक है। तो मैं 3-4 दिन पहले से आपको बताता आ रहा हूं डेटा टेबल डेटा सेट, ठीक है। अब डेटा टेबल में तो फिल हो गया डेटा, ठीक है, लेकिन ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखाना है आपको, तो कैसे दिखाओगे, तो यहां से डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल डॉट डेटा सोर्स, इसका प्रॉपर्टी होता है ना, तो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को क्या दे दो, डेटा टेबल, तो क्या होगा, शो हो जाएगा डेटा, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, डेटा बेस से डेटा आकर के दिखाई देना चाहिए, कौन सा डेटा दिखाई देना चाहिए हमारे विजुअल बेसिक में, तो यहां पे जो हमने बनाया है, ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल का डेटा हमें दिखाई देना चाहिए, ये वाला डेटा दिखाई देना चाहिए, राइट। तो रन कर देता हूं मैं सॉफ्टवेयर को अपना, ठीक है, रन कर देता हूं इसको,
चल भाई दिखा दे डेटा, अगर कोई एरर नहीं है तो। डेटा तो दिखाई दिया लेकिन डेटा आ गया है, मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है जो है। ठीक है तो दिखा दिया डेटा, आ गया ना। चलो अब उसमें और डेटा मैं ऐड करूंगा तो और भी दिखाएगा। ठीक है ये एक्सेस है ना, दिखा रहा हूं फिर से। ठीक है ये वाला जो है, ठीक है ये है एक्सेस डेटाबेस। ठीक है ये चीजें तो मैं बता ही दिया हूं, अपलोड भी कर दिया हूं, रिकॉर्डर वगैरह आप देख लेना, नहीं तो फिर पूछ भी लेना समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है अब यहां पे मैं डबल क्लिक किया और यहां पे टेबल बना लिया। कैसे टेबल बनाया, तो क्रिएट में आया फिर यहां पे टेबल बना लिया ऐसे, और वहां से टेबल बन गया तो वही टेबल को मैं ओ किया। ठीक है अब इसी को राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूं। ठीक है यहां पे एक रिकॉर्ड है, मैं दूसरा ऐड कर लेता हूं, दूसरा अपने नाम ऐड कर लूं। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाँ अपने मन से दे दो आप। एक्सेस डेटाबेस जो है ना वो 4 GB डेटा ही स्टोर करता है। ठीक है और जो एसक्यूएल सर्वर है ना वो करता है 10 GB तक, और 10 GB से ज्यादा आपको करना है तो आपको एसक्यूएल सर्वर को इंटरप्राइज एडिशन वर्जन में बदलना पड़ेगा। ठीक है पर ये बात शायद आपके लिए अभी ठीक नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूं। ठीक है INDIA फिर ACMANTMISHRA .com ठीक है /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है हो गया, दो ठो डेटा सेव कर दिया ना मैं। चलो अब रन करूं सॉफ्टवेयर तो दो ठो डेटा आना चाहिए ना, आना चाहिए। चलो रन कर देता हूं मैं, आ गया दोनों डेटा। ठीक है मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग कर रहा है ना इसलिए ऐसा हो रहा है, देखो दोनों डेटा आ गया ना, ये देख लो। ठीक तो डेटाबेस से डेटा आप तो फिल कर ही लोगे। ठीक है अब मुझे क्या बताने का है, जो मेन है कि डेटाबेस से डेटा डिलीट कैसे करना है। ठीक है डिलीट करने के कई तरीके हैं, ठीक है पर मैं आपको बता देता हूं सबसे आसान वाला तरीका। ठीक है आसान तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ थोड़ा सा समझने का फर्क है। ठीक है आसानी होगा, सॉफ्टवेयर इतना हैंग क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रन कट कर दो। अब डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का कोई सेटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है सबसे पहले यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है इनेबल डिलीटिंग को कर देता हूं मैं, डिसेब अनचेक अनचेक इसे भी अनचेक। ठीक है क्योंकि इसमें अभी होगा क्या इसे मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है रन, इससे हो क्या रहा है अभी, यहां पे डबल क्लिक मारा अब ये डिलीट हो रहा है, एडिटेबल अभी है। ठीक है मुझे एडिटेबल नहीं चाहिए, और यहां पे एक ठो रो एक्स्ट्रा है, ये लो एक ठो रो एक्स्ट्रा है ना, आप मोबाइल साइलेंट में रखो। ठीक है एक ठो रो यहां पे एक्स्ट्रा है। ठीक है ऐसे हम ऐड ऐसे ही सीधा मैं कर ले रहा हूं यहां पे ऐसे, ये नहीं होना चाहिए ना। और यहां पे देखो जैसे यहां पे आया और डिलीट बटन पे क्लिक कर दिया तो डिलीट हो गया, फिर यहां पे आया क्लिक मारा तो डिलीट बटन पे डिलीट मारा तो हो गया। ठीक है क्लियर, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसी के लिए सेटिंग कर देंगे यहां पे। ठीक है इनेबल एडिंग डिसेबल कर दो, इनको भी डिसेबल कर दो। ठीक है ये सब प्रॉपर्टी है। ठीक है अब करूंगा ना तो देखना, ये देख लो दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, एड करने के लिए ऑप्शन नहीं है। अब इसमें मैं डबल क्लिक कुछ भी करूंगा ना अब नहीं ये एडिटिंग होगा। ठीक है अब डिलीट भी नहीं होगा, ये देखो डिलीट बटन दबा रहा हूं डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है यकीन तो है ना कि नहीं है कि डिलीट दबा भी रहा हूं कि नहीं दबा रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है तो दिखा दे रहा हूं। ठीक है इस पे क्लिक मारा ये देख लो कुछ नहीं हो रहा है, अरे यार ये तो क्लोज क्लोज, इस पे आया डिलीट ये देख लो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है और इसी को मैं यहां पे आता हूं, ठीक है यहां पे आके
यहां पे आके कर देता हूं इनेबल एडिटिंग, तो देखना क्या होगा। ठीक है, ये आया, इसको कर देता हूं मैं डिलीट। होने का ना डिलीट, मैंने कुछ प्रॉपर्टी को ठीक ठाक नहीं किया क्या? इनेबल डिलीटिंग तो स्टार्ट ही है, क्यों नहीं हो रहा है? होने का ना इसको, ये देखो हो गया डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह नहीं हुआ होगा उस समय पे। ठीक है, पूरा डिलीट हो जाता है, पूरा डिलीट हो जाता है ना, पूरा ही डिलीट होगा यहां से जो करोगे डिलीट ना, उससे पूरा ही डिलीट होगा। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा। ठीक है, तो यहां तक में तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, शायद नहीं आएगा ना। चलो अभी देखो ये इस तरह से फैल रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कैसे हो, फॉर्म जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा हो। जैसे इसको देखना, अभी ये देख लो ग्रिड भी उतना ही बड़ा रह रहा है ना, तो इसको क्या करने का, एंकर प्रॉपर्टी एक है। ठीक है, यहां पे आओ प्रॉपर्टी में। ठीक है, और फिर यहां पे एक होगा एंकर प्रॉपर्टी, ये देख लो एंकर प्रॉपर्टी है, इसको इधर भी ले लो इधर भी ले लो, तब क्या होगा देखना मैजिक इसका। ठीक है, इसका मैजिक ये है, इसको रन कर दिया तो ये देख लो आ रहा है। ठीक है, क्लियर, अब फैल रहा है पूरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहां पे डालने है, जो सिलेक्टेड हो ना उसको डिलीट कर देने हैं रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्या करूंगा, एक ठो बटन में ले लेता हूं। ठीक है, आप चाहो तो कंटेस्ट मेनू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बटन कैसे ले लूं मैं, यहां पे आने का और बटन ले लेता हूं। ठीक है, बटन के क्लिक इवेंट पे मैं डेटा को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो इस पे मैं कोड लिखना शुरू कर देता हूं, पहले इसका प्रॉपर्टी एक ठो सेट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी कर देता हूं डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गया, और यहां पे लिख देता हूं डिलीट। ठीक है, जो रिकॉर्ड सिलेक्टेड है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो उसको। ठीक है, क्लियर, लेकिन अभी देखो एक सेल सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर, मैं चाहता हूं कि एक बार क्लिक करूं तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाते हैं इसका। ठीक है, यहां पे, और यहां पे एक सिलेक्शन मोड का होगा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कहां से, इधर कहीं होगा, मल्टी सिलेक्शन ट्रू है, इसको मैं कर देता हूं फाल्स, क्या है कि एक से ज्यादा मुझे सिलेक्ट नहीं करना एक बार में। ठीक है, ये देख लो यहां पे सिलेक्शन मोड है ना, इसको मैं कर दूंगा क्या, फुल रो सिलेक्ट। ठीक है, कर दिया क्लिक, अब यहां पे आ जाता हूं। ठीक है, अब क्लिक मारा तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, पूरा सिलेक्ट हो रहा है ना, क्लियर। अब मैं ये चाह रहा हूं ना कि जिस रो को सिलेक्ट करूं डिलीट बटन पे क्लिक करूं तो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए अब डिलीट बटन पे डबल क्लिक कर देता हूं। ठीक है, और सबसे पहले क्या करूंगा ना, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है, तो इसी को क्या कर लेता हूं, यहां पे आके कट कर लेता हूं। ठीक है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं ऊपर कर देता हूं, क्योंकि मेरे को यहां भी तो एक्सेस करने हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एरर देने लगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा आप नहीं बचा, क्योंकि क्लास में चल गया, तो इसको क्या कर दो ना, एज स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, अब एरर गायब हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहला मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग ऊपर में है, फिर मेरे को कमांड चाहिए। ठीक है, तो कमांड ले लेते हैं, डीम सी एम डी एज न्यू। अब ओएलईडीबी कमांड जो है ना, उसका प्रीडिफाइन क्लास है ओएलईडीबी कमांड। ठीक है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं क्या दे दूंगा, कमांड। तो कमांड किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में मैं दे दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे कैसे दे दूं, डिलीट
फ्रॉम ए स्टूडेंट वेयर, आईडी के आधार पे हमें डिलीट करने का है, ठीक है। तो आईडी इक्वल टू वन लिख के यहां पे छोड़ देता हूं, ठीक है, यही हमारा कमांड है, ठीक। यहां पे और भी प्रॉपर्टी है, सीएमडी इक्वल टू कमांड टेक्स्ट का होगा, ठीक है, ये देख लो कमांड टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, इसको भी आप चाहो तो कमांड दे सकते हो, मैं इसे नहीं दे रहा हूं, ठीक है। और फिर कमांड टाइप भी देते हैं टेक्स्ट पर, मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी क्योंकि इसका अभी जरूरत नहीं है बताने का, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जो वन यहाँ पे लिखा हूं ना, ये कहां से आएगा, ये यहां से आएगा, ठीक है, यहां पे जो रो सिलेक्ट रहे उसका आईडी उठे, ठीक है, और उसका आईडी जाना चाहिए, ठीक है। तो ग्रिड व्यू कंट्रोल से कैसे उठाएंगे आईडी, तरीके तो एक से ज्यादा हैं, लेकिन मैं सबसे आसान वाला बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। डिम आईडी एज इंटीजर, ठीक है, इक्वल टू क्या कर लूंगा, अब मैं ग्रिड व्यू से डेटा उठाऊंगा, ठीक है, तो डेटा ग्रिड व्यू डॉट सिलेक्टेड रो, ठीक है, सिलेक्टेड रो में गया, इसको मैं दे पास कर देता हूं इंडेक्स, ठीक है, जीरो, और इसको कर दिया ऐसे, ठीक है, सिलेक्टेड रो का जीरो इंडेक्स का मतलब कि जो सिलेक्टेड है तो पहला, ठीक। तो हमने तो प्रॉपर्टी सेट कर दिया है कि एक बार में एक ही सिलेक्ट हो, ठीक है, तो जो सिलेक्टेड रो है उसका पहला रो दिखाओ, और डॉट पहले रो का कौन सा कॉलम का वैल्यू चाहिए, तो सेल कर दो, ठीक है, डॉट सेल इक्वल टू इसमें दे दो जीरो, जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब आईडी, ठीक है, फिर डॉट कर दो वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे दे दो, ठीक है। अब देखना ये वाला जो वैल्यू है ना यहां पे आ जाएगा, ठीक है, मैं आपको एमएसजी में दिखा देता हूं, ठीक है, मैं मैसेज बॉक्स में आई को प्रिंट करा देता हूं, देखना क्या आएगा, इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है, डीम एज आईडी, एमएसजी बॉक्स क्यों नहीं दिखाएगा भाई, आई इज डिक्लेरेटेड फ्रॉम मेथड सब, अच्छा आई यहां पे मैं क्यों दिया, आईडी देने का ना, हो गया, रन कर दे रहा हूं, ठीक है, इस पे क्लिक मारा, कर देता हूं डिलीट, दो आ गया ना, फिर इस पे क्लिक मार रहा हूं, फिर कर रहा हूं डिलीट, तो यहां पे वन आ गया ना, तो आईडी मेरे को तो मिल गया ना। अब यहां पे सेल के जगह पे आप चाहो तो कर दो आईडी, ठीक है, आईडी भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां पे आईडी है कॉलम का नाम, ठीक है, तो ये देख लो दो आ रहा है ना, तो आप इंडेक्स दे सकते हो यहां पे 0 1 2 3 4 कॉलम का नाम, ठीक है, तो इस लाइन में तो दिक्कत होगा नहीं ना, किसी को नहीं होगा इस लाइन में दिक्कत, होगा, चुपचाप देखो, चुप रहने का मतलब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करने के बाद यहां पे कॉन्केटिनेट कर दूंगा और फिर दे दूंगा आईडी, ठीक है। ऐसे क्यों करूंगा, क्योंकि आईडी जो है ना वो इंटीजर वैल्यू है और वो सिंगल कोट में नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे कर दूंगा। अब क्या करूंगा मैं, सिंपल एक कमांड चलाना है मेरे को, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, ठीक है, बस, ठीक। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले मेरे को क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को करना पड़ेगा ओपन, ठीक है, डॉट ओपन, ठीक है। लेकिन कनेक्शन ओपन तब होगा जब ये क्या होगा, ओएलईडीबी कनेक्शन टाइप का होगा, ठीक है, तब ये ओपन होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और ओपन में कनेक्शन ना करूं तो क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, ठीक है, आपको दिखा देता हूं मैं पहले, ठीक है। यहां पे मैं मैसेज बॉक्स में दे देता हूं, एमएसजी बॉक्स, ठीक है, एमएसजी बॉक्स में क्या दे दूं, डिलीटेड, ठीक है, डेटा डिलीटेड, ठीक, डिलीट, आप सही है सर, हाँ, ठीक है, चलिए रन कर देता हूं मैं, आप ठीक है, अब क्लिक मारा इस पे, फिर कर देता हूं डिलीट, आ जा भाई एरर, हाँ ठीक, एग्जीक्यूट नन क्वेरी कनेक्शन प्रॉपर्टी हैड विद, अच्छा नो 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 नो, मैंने कुछ और भी गलतियां किया हुआ है यहां पे, यहां पे कनेक्शन को भी तो पास करने होंगे, बिना कनेक्शन के कैसे काम करेगा,
लेकिन ये क्या बोल रहा है, अब ये कह रहा है ना कि मुझे सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी टाइप कनेक्शन, ठीक है, ओएलईडीबी कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो जैसे ओएलईडीबी कमांड क्लास है ना, वैसे ही कनेक्शन भी एक क्लास है, तो क्या करूंगा अब मैं उसी टाइप का दे दूंगा, ठीक है। उस टाइप का कैसे देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। स्ट्रिंग को हटा के यहां पे लिखना है न्यू और फिर ओएलईडीबी कनेक्शन और फिर ये कर देना है और यहां पे ये कर देना है, बस सिंपल इतना ही काम करना है आपको कनेक्शन टाइप का इसको बनाने के लिए, ठीक है। ओएलईडीबी कनेक्शन टाइप का इसको बनाने के लिए बस इतना ही काम करना है, बाकी कोई काम नहीं करने। ये एरर गायब हो गया, अभी मैं कनेक्शन ओपन नहीं किया हूं, अभी देखना एरर आएगा अब कनेक्शन ओपन करने का, ठीक है। इस पे क्लिक मारा, डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। अब बोल रहा है कनेक्शन ओपन करो पहले, तब कुछ कर सकता हूं मैं, क्योंकि अभी स्टेटस जो है वो क्लोज है, ठीक है। तो ओपन कर देते हैं, ठीक है। इफ नहीं नहीं इफ तो नहीं लिखने का यहां पे, डॉट ओपन, ठीक है, ओपन कर दिया और यहां पे कर देता हूं नीचे क्लोज, क्योंकि काम हो गया तो आप कनेक्शन बना के रखेंगे क्या करके, क्लोज करके रखेंगे तो नहीं हम उसको ओपन करके, ठीक है। कर दिया मैं क्लोज, ठीक है। अब ये क्वेरी बिल्कुल ठीक काम करेगा, ठीक है। अच्छा आप इसे चाहो ना तो दूसरे तरीके से इसे लिख सकते हो, ठीक है, जैसे इफ CONN डॉट स्टेट, ठीक है, स्टेट। अगर इसका स्टेट क्या है, अगर क्लोज्ड है, ठीक है, तब क्या करो ओपन कर दो, ठीक है। अगर क्लोज है तो ओपन करो, अन्यथा मत करो, ठीक है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, एक लाइन आप मत लिखना ऐसे, ठीक है, आप काम चला लो ऐसे ही, ठीक है, नहीं तो कहो कि दो लाइन और बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए रन कर देता हूं, डेटा डिलीट हो जाना चाहिए उम्मीद है। चलो डेटा तो डिलीट हो गया लेकिन रिकॉर्ड दिखाइए दे रहा है, ठीक है। फिर से प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं, ठीक है, तो एक ही डेटा आ रहा है। क्यों आ रहा है एक ही डेटा, क्योंकि डेटाबेस से डिलीट हो चुका था वो, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है ना कि ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखा क्यों रहा था, तो दिखा इसलिए रहा था क्योंकि शुरू बार में जब हमने रन किया प्रोग्राम, ठीक है, तो डेटा एडॉप्टर डेटाबेस से सारा डेटा उठा करके डेटा टेबल में रख दिया था और फिर डेटा टेबल डेटा एडॉप्टर से उठा के डेटा टेबल में फिल कर दिया और डेटा टेबल का डेटा चला गया था ग्रिड व्यू कंट्रोल में, ठीक है। तो डेटाबेस से तो डेटा डिलीट हो गया था लेकिन ग्रिड व्यू कंट्रोल से डेटा टेबल से डेटा जो पहला डेटा था पहले स्टेट का जब डिलीट नहीं हुआ था डेटा उस समय पे डेटा उठाया था ना तो डेटा टेबल में तो सारा डेटा था लेकिन डिलीट होने के बाद फिर से तो हमने नहीं उठाया ना तो डिलीट होने के बाद हमें फिर से उठाने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस काम को इंप्रूव करने से पहले एक काम हम इंप्रूव कर लेते हैं अपना, ठीक है, कि जैसे ही आदमी इस पे क्लिक करता है, ठीक है, थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है मेरा इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, इस पे सिलेक्ट करके जैसे ही डिलीट कर रहा है, ठीक है, वैसे ही तुरंत डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है ना, गलती से डिलीट हो गया तो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ऐसे में दिया हूं ना मैसेज बॉक्स, इसको हटा के मैं कर लूंगा MESS MSG box.show, ठीक है। अब यहां पे पहला बोल रहा है टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, तो यहां पे मैं पूछ लेता हूं उससे कि डिलीट करना चाहते हो या नहीं, तो डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ऐसे ही लिखा जाएगा ना सर, सही है। चलिए तब तो मुझे भी अंग्रेजी आ गया। यहां पे अब बोल रहा है कैप्शन एज अ टाइटल, ठीक है, मतलब कि मैसेज बॉक्स के टाइटल में क्या आएगा, ठीक है, तो मैं कंफर्म डिलीट बोल देता हूं, ठीक है, कंफर्म। स्पेलिंग सही है सर, चलिए सर तब तो बढ़िया है, फिर मेरे को भी आ गया। अब कंफर्म का मुझे मैसेज देना है, ठीक है, तो मैसेज मुझे एस या नो में पूछना है, ठीक है, कि एस करे तो डिलीट हो जाए, नो करे तो डिलीट मत हो, ठीक है। तो कैसे करूंगा, मैसेज बॉक्स डॉट बटन को सिलेक्ट कर लूंगा, एस या नो, ठीक है,
फिर यहाँ पे आइकन, आइकन में मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ, ठीक है। तो ये लोग क्वेश्चन मार्क देके इसको बंद करके एंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूट नन क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं ये कर लेता हूं और यहां पे आ जाता हूं, ठीक है। ठीक, इस लाइन को मैं थोड़े देर के लिए कमेंट मार रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट कहां पे होता है पता है, यहां पे, ये वाला लाइन जैसे ही चलता है ना तो डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन चलने के पहले हमें पूछना पड़ेगा ना। चलो तो पहले इस लाइन में क्या क्या आ रहा है वो दिखा दे रहा हूं, ठीक है, मैसेज बॉक्स में, ठीक है। मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, आप डिलीट बटन पर क्लिक कर रहा हूं, सर इतना बता दे रही, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। यहां पे पूछ रहा है ना कंफर्म डिलीट का, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, यस करें तो डिलीट हो और नो करें तो ना हो डिलीट, ठीक है। तो मुझे ये बताओ इस लाइन में दिक्कत कहां पे है, इस लाइन पे दिक्कत कहां पे है। एक कमांड है और ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल से मैं डेटा उठा रहा हूं, यहां पे कनेक्शन ओपन कर रहा हूं, यहां पे मैसेज दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैसेज इतना लंबा दिखा दिया, ये सी शार्प का स्टाइल है, एमएसजी बॉक्स में भी आप दिखा सकते हो, ठीक है, पर मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें दिक्कत कहां पे है ये बताओ, आगे चले नहीं चले, चले चलो। अब यस पे क्लिक किया कि नो पे क्लिक किया, हमें पता तो चलना चाहिए ना। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे। कैसे कैप्चर होगा, तो एक वेरिएबल बना लेता हूं, डीम कंफर्म एज डायलॉग रिजल्ट टाइप का वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू ये, ठीक है, स्टोर हो गया। अब कंडीशन देंगे, इफ कंफर्म इक्वल टू क्या है, अगर एस पे क्लिक किया है, ठीक है, अगर जो यूजर है वो ये मैसेज बॉक्स में एस पे क्लिक किया है तो क्या करो, तब ए वाला क्वेरी फायर करो, ए वाला, ठीक है। अनकमेंट करके इसको कट करके ले लाता हूं यहां पे, ठीक है, ऐसे, ठीक। कंफर्म में क्या स्टोर होगा, एस या नो, और उस एस या नो को कंपेयर करूंगा इसमें एस में, ठीक है। और फिर अगर एस है इसमें तो क्या करो, तब कर दो एग्जीक्यूट नन क्वेरी, मतलब चला दो क्वेरी, फायर कर दो कि डिलीट कर दो, ठीक है। अगर एस पे क्लिक नहीं किया है तो कुछ मत करो, ठीक है, तो कुछ नहीं करने का यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं और मैसेज मैं दे देता हूं, ठीक है। यहां पे भी मैं कंडीशन लगाता हूं इफ का, ठीक है। तो यहां पे इफ का कंडीशन लगा देता हूं कि अगर एक क्वेरी चला है तो, ठीक है, तो मैसेज बॉक्स से मैसेज दे दो, ठीक है। क्या मैसेज देना है, डेटा डिलीटेड, ठीक है, हो गया। और नीचे आ करके क्या कर दो, कनेक्शन को क्लोज कर दो, ठीक है, क्लियर। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, हमारा क्वेरी बिल्कुल परफेक्ट है, कोड मेरा रेडी है बनके पूरा, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आने चाहिए ना, आएगा दिक्कत, हाँ रन कर दे रहा हूं, ठीक है। हैंग बहुत ज्यादा कर रहा है मेरा सिस्टम शायद, डिलीट पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। मैं कर देता हूं नो, तो डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ होगा डिलीट शायद मेरा, हाँ यस करूंगा तो करके दिखा दूंगा मैं, फिर ये देख लो डेटा है ही है मेरे पास, ठीक है, ये देख लो डेटा है ही है ना। डिलीट पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है, और कर देता हूं एस पे क्लिक, ठीक है, एस पे क्लिक कर दिया, डिलीट सच में हो गया, ठीक है। अब कोई डेटा नहीं बचा है, डेटाबेस आपको दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्या है ये है ना मेरा डेटाबेस, ये देख लो, ये देख लो, कुछ डेटा नहीं है, नहीं है ना, ठीक। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, मैं वैल्यू को फाइंड किया कि रिकॉर्ड कौन सा डिलीट करना है यहां से, ठीक है, ग्रिड व्यू कंट्रोल से सिलेक्टेड रो का कॉलम का डेटा मैं उठा के ले लाया, इसमें आईडी मिल गया, फिर
कमांड में दे दिया ये वाला क्वेरी, ठीक है, और फिर इसको दे दिया आईडी, ये वाला आईडी, फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे दिया मैं इसको, ठीक है, फिर कनेक्शन को ओपन किया और फिर कंफर्म बॉक्स में शो कराया, और फिर शो करने पे यस पे क्लिक करता है या नो पे क्लिक करता है, इसको मैं स्टोर किया इसमें, और फिर मैं यहाँ पे कंडीशन से चेक कर लिया कि ये यस पे क्लिक किया है कि नो पे क्लिक किया है। अगर यस पे क्लिक करता है तो कर दो यहाँ से डिलीट, ठीक है, और फिर सक्सेसफुली ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, तो रिटर्न करेगा वन, तो फिर हो जाएगा वो ट्रू, तो फिर यहाँ पे मैसेज दे दो डेटा डिलीटेड, ठीक है, और फिर यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो आने नहीं चाहिए, शायद नहीं आएगा ना, आएगा दिक्कत। अब किसी लाइन में कंफ्यूजन हो तो फिर बताओ, है नहीं है, हाँ ना, चुपचाप। फोटो चाहो तो खींच लो आप, आज तो डिलीटी में टाइम बीत गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपडेट वाला भी बता दूं क्या, 36 मिनट ही हुए, चलो अपडेट का कल देख लेना फिर, फोटो खींच लो, खींचोगे तो हो गया, हो गया ना, ये लो नीचे वाला ये कोड है, हो गया। मैसेज बॉक्स को ऐसे शो कराया हूं मैं, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया ना। अरे यार पहले इसे तो बंद कर देता मैं।